इल्तुतमिश का अर्थ साम्राज्य का रक्षक होता है। इल्तुतमिश तुर्किस्तान की इकबरी काबिले का था। प्रारंभ में ही उसमें बुद्धिमता व चतुराई के लक्षण दिखाई देते थे। इससे उसके भाइयों को बड़ी ईर्ष्या हो गई थी और उन्होंने उसे पैतृक घर और संरक्षण से वंचित कर दिया। परंतु विपरीत परिस्थितियों में उसके गुण नष्ट नहीं हुए और शीघ्र ही उसके जीवन में एक नया द्वार खुला। उसके गुणों से दिल्ली के तत्कालीन राज प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन का ध्यान आकृष्ट किया। अपनी योग्यता के बल से इल्तुतमिश धीरे धीरे अपना दर्जा बढ़ाता चला गया। वह बदायूं का शासक बना दिया गया और कुतुबुद्दीन की एक कन्या से उसका विवाह हो गया। खोकड़ों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय हुई उसकी सेवाओं के उपलक्ष्य में सुल्तान के आदेश द्वारा वह दास्तव से मुक्त कर दिया गया और उसे अमीरुल उमरा का ऊंचा पद मिला। बैठने के पश्चात इल्तुतमिश ने अपने को संकटपूर्ण परिस्थितियों में पाया। नासिरुद्दीन कुबाचा ने सिंध में स्वतंत्रता स्थापित कर ली और ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह पंजाब पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। ताजुद्दीन युदूस जो गजनी पर अधिकार किए था अब भी मोहम्मद के भारतीय प्रदेशों पर प्रभुता का अपना पुराना दावा किया बैठा था। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया गया। न्याय के लिए सिंहों के गले में घंटी बंधवाई गई। नागौर में मस्जिद एवं विशाल उत्कीर्ण का दरवाजा बनाया। दिल्ली में शमसी हौज एवं नसीरुद्दीन महमूद का गढ़ी का मकबरा बनवाया जो भारत का पहला मकबरा माना जाता है। वकात नासिरी के लेखक मिनहाज इस काल का प्रमुख विद्वान था। प्रशासन में मदद के लिए तुर्कान चिलगानी नामक दल का गठन किया गया। सल्तनत काल में वांशुगत व्यवस्था चलाने का श्रेय एवं उत्तराधिकारी घोषित करने की परंपरा मिस्र से चालू की गई थी। वास्तव में इस काल में उत्तराधिकार की कोई निश्चित परंपरा नहीं थी। इल्तुतमिश अपने प्रिय पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी ग्वालियर अभियान से लौटने के बाद घोषित कर दिया। नसीरुद्दीन महमूद की याद में उसने दिल्ली में पहला मकबरा जिसे गढ़ी का मकबरा कहा जाता है का निर्माण करवाया। इसका अंतिम अभियान वमियान का माना जाता है। इस दौरान बीमार होने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अमीरों में इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात रजिया को गद्दी पर बैठाकर उसके योग्य पुत्र रुकदीन फिरोज को गद्दी पर ना बैठाया गया। यह एक कमजोर और असक्षम शासक था। पूरा शासन इसकी विलासी महत्वाकांक्षा और क्रूर माँ शाह तुर्कान के हाथों में थी। यह कूच प्रणी थी। इतिहासकारों ने इसे दासी बताया है जो मिस्र के हरम में महत्वपूर्ण स्थान पाकर रुकनीदून की माँ बनी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान के भय से भयभीत होकर ख्वारिशाह का पुत्र जलालुद्दीन मुरबनी वहां से भागकर पंजाब की ओर आ गया। चंगेज खान उसका पीछा करता हुआ लगभग 2020 से 2021 में सिंध तक आ गया। उसने इल्तुतमिश से संदेश किया कि वो मंगबरनी की मदद ना करे। यह संदेश लेकर चंगेज खान का दूत इल्तुतमिश के दरबार में आया। इल्तुतमिश ने मंगोल जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी से बचने के लिए मंगबरनी की कोई सहायता नहीं की। मंगोल आक्रमण का भय 1228 में मंगबरनी के भारत में वापस जाने पर टल गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अली मर्दान ने बंगाल में अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया तथा अलाउद्दीन की उपाधि ग्रहण की। दो वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र हिमामुद्दीन इवाजा उत्तराधिकारी बना। उसने गयाउद्दीन आजम की उपाधि ग्रहण की थी और अपने नाम के सिक्के चलाए और खुतबा पढ़वाया। 2025 में इल्तुतमिश ने बंगाल में स्वतंत्र शासक हिमासुद्दीन इवाज के विरुद्ध अभियान छेड़ा। इवाज ने बिना युद्ध के ही उसकी अधीनता में शासन करना स्वीकार कर लिया, पर इल्तुतमिश के पुनः दिल्ली लौटते ही उसने फिर से विद्रोह कर दिया। इस बार इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने 1226 में लगभग उसे पराजित कर लखनौती पर अधिकार कर लिया। दो वर्ष के उपरांत नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद मलिक इख्तियारुद्दीन बलखा खलजी ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया। 1223 में इल्तुतमिश ने इस विद्रोह को दबाया। संघर्ष में बलखा खलजी मारा गया और इस बार एक बार फिर बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। 1226 में इल्तुतमिश ने रंगथंबोर पर तथा 1227 में परमरों की राजधानी मंदौर पर अधिकार कर लिया। 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले पर घेरा डालकर वहां के शासक मंगलदेव को पराजित कर दिया। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। उसने सल्तनत कालीन दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका तथा तांबे का जीतल चलवाया। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को आरंभ कर दिया था। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में किया था। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर कुछ गौरवपूर्ण शब्दों को अंकित करवाया था, जैसे शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य व धर्म का सूर्य, धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक। इल्तुतमिश ने
एकता व्यवस्था का प्रचलन किया और राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। स्थापत्य कला के अंतर्गत इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य को भी पूरा करवाया। भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। इल्तुतमिश में बदायूं की जामा मस्जिद एवं नागौर में अतारकन के दरवाजा का निर्माण करवाया। अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। उसने दिल्ली में एक विद्यालय की भी स्थापना की थी। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में ही स्थित है, जो कि एक कक्षीय मकबरा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैप कर दें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।